नांदेड़ लोकसभा राजनीतिक भूकंप के मुहाने पर, क्या लोकसभा के नतीजे हिला देंगे अशोक चव्हाण का साम्राज्य? देश में आने वाली 23 मई 2019 की तिथि राजनीतिक सत्ता के द्वार खोली। जैसे जैसे लोकसभा के नतीजों की गिनती का समय निकट आ रहा है, वैसे वैसे नांदेड़ लोकसभा के नतीजों को लेकर नागरिकों में रोचक चर्चाएं जारी है। यह नतीजे तय करेंगे कि नांदेड़ लोकसभा का नया सांसद कौन होगा। वैसे नतीजे त्रिकोणीय मतगणना पर केंद्रित है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान सांसद अशोक चव्हाण, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रतापराव पाटिल चिखलीकर और वंचित आघाड़ी के प्रत्याशी प्राध्यापक यशपाल भिंगे के इर्द गिर्द नतीजे घूम रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार की तर्ज पर मतदाताओं ने भाजपा प्रत्याशी प्रतापराव पाटिल चिखलीकर का पलड़ा भारी रखा है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि वंचित आघाड़ी के प्राध्यापक यशपाल भिंगे उलटफेर के करीब है, लेकिन चिखलीकर और प्राध्यापक भिंगे का मुकाबला इस बार कांग्रेस के बड़े नेता अशोक चव्हाण के साथ है, जो दो बार महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अशोक चव्हाण विगत 32 वर्षों से प्रदेश और देश की राजनीति में सक्रिय है और अनुभवी नेता के रूप में जाने जाते हैं। वर्तमान में वे सांसद है, साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। कांग्रेस पार्टी के लिए श्री अशोक चव्हाण की जीत बहुत मायने रखती है। लोकसभा के मतदान के बाद से ही मीडिया लगातार अशोक चव्हाण के राजनीतिक भविष्य को लेकर मंथन कर रहा है। यदि नांदेड़ लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी प्रतापराव पाटिल चिखलीकर जीत दर्ज करते हैं, तो सचमुच महाराष्ट्र में एक राजनीतिक भूकंप आ जाएगा। श्री चव्हाण पहली बार 1987 में नांदेड़ से लोकसभा सांसद चुने गए थे, लेकिन बाद में उन्हें 1989 में लोकसभा में हार का भी मुंह देखना पड़ गया था। 3 दशक बाद अशोक चव्हाण वैसी ही परिस्थितियों का सामना करते देखे जा रहे। अशोक चव्हाण एग्जिट पोल पर अविश्वास जता रहे, वही कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी तो आस लगाए बैठे हैं कि चव्हाण 40,000 मतों से विजयी हो गए। एक्झिट पोल मतमोजणी ही 23 तारखेला असल्यामुळे वस्तुनिष्ठ जी खरी परिस्थिती आहे ती मतमोजणीनंतर स्पष्ट होणार आहे। एक्झिट पोल सॅम्पलिंग साईज किती आहे, किती लोकांनी आपले रिॲक्शन दिले याच्यावर अवलंबून आहे। आणि मी तर पहिल्यापासून सांगतो की महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस आणि NCP आणि इतर जे घटक पक्ष आमच्याबरोबर आहेत ते साधारण आम्ही 24 ते 25 जागेच्या आसपास जाऊ शकतो असा आमचा प्राथमिक अंदाज आहे। देशात काय परिस्थिती असेल तुमचा काय अंदाज? देशामध्ये NDEची सत्ता नक्कीच येणार नाही, परिवर्तन होण्याची शक्यता आहे। किती जागा दोघंही पक्षाला मिळतात, UPA घटकाने UPA आणि घटक पक्षाला किती जागा मिळतात हे बरंचसं अवलंबून राहणार आहे। सर शेवटचा प्रश्न, नांदेडचं काय असेल? जागा काँग्रेस जिंकणार 100%। लेकिन मतदाताओं की चर्चा में श्री चव्हाण पिछड़े दिखाई दे रहे हैं। 23 मई को मतगणना के बाद ही नांदेड़ लोकसभा का चित्र स्पष्ट हो जाएगा। नांदेड़ लोकसभा के नतीजों पर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दिल्ली का भी ध्यान लगा हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने श्री चव्हाण के खिलाफ अपना दमखम लगा दिया था। एक तरह से नांदेड़ लोकसभा के चुनाव नरेंद्र मोदी विरुद्ध अशोक चव्हाण जैसे बन गए थे। 2014 में व्याप्त मोदी लहर में भी अशोक चव्हाण 83,000 मतों से विजयी हुए थे, लेकिन अब की बार हालत बदले से दिखाई दे रहे हैं। देखना है कि भाग्य अशोक चव्हाण को फिर एक बार नांदेड़ का सांसद बनाता है या फिर उनके राजनीतिक साम्राज्य नेस्त नाबूद कर देता है। लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। नांदेड़ लोकसभा के नतीजे सचमुच भूकंप के मुहाने पर है।